नमस्कार, पोलका बाय द वुमेन फॉर द वुमेन में मैं हूँ डॉक्टर वंदना और आज हम बात करेंगे ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे कि फिटर मूवमेंट कम होने लगते हैं। फिटर मूवमेंट क्या होते हैं, ये कब महसूस होना शुरू होते हैं और उन्हें कैसे काउंट किया जा सकता है, इन सब के बारे में मैं पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नॉर्मली प्रेगनेंसी के 5th मंथ में महिला को फिटर मूवमेंट महसूस होने लगते हैं। इस समय बेबी मूवमेंट हल्के होते हैं पर ज्यादा बार होते हैं क्योंकि फीटस का साइज छोटा होता है और उसे मूवमेंट करने के लिए यूट्रस में ज्यादा जगह मिल जाती है। जैसे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ती जाती है फीटस का साइज भी बढ़ता जाता है और 8वें-9वें महीने में फीटस का नॉर्मल वेट 2.5 kg के आसपास पहुंच जाता है जिसके कारण अब उसे मूवमेंट करने के लिए यूट्रस में ज्यादा जगह नहीं मिल पाती है, इसलिए अब उसके मूवमेंट पहले की तुलना में कम होने लगते हैं। पर क्योंकि बेबी वेट अब अच्छा हो चुका होता है इसलिए महिला को यह मूवमेंट ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को फिटर मूवमेंट दिन के समय कम और रात के समय अधिक महसूस होते हैं क्योंकि दिन में महिला काम में व्यस्त रहती है जिस कारण बेबी मूवमेंट पर ध्यान नहीं जा पाता है, जबकि रात में जब महिला रिलैक्स होती है तो उसका पूरा ध्यान अपने बेबी पर रहता है जिस कारण से उसे ऐसा लगता है कि रात में फिटर मूवमेंट ज्यादा हो रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे कि फिटर मूवमेंट कम महसूस होने लगते हैं। तो नंबर 1 रीजन है, यदि फीटस का फिजिकल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है तो फिटर मूवमेंट का महसूस होना कम हो जाता है। नंबर 2 रीजन है, यदि महिला के गर्भाशय में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम है जिसे हम ओलिगोहाइड्रोमनियास कहते हैं, तो ऐसे में भी फीटस को मूव करने के लिए पर्याप्त स्पेस नहीं मिल पाता है और फीटस का मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा क्योंकि फीटस को मूवमेंट करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल रहेगा तो बेबी को भी उस घूमने के लिए ज्यादा जगह मिल पाएगी। फिटर मूवमेंट कम होने का नंबर 3 रीजन है, महिला का वजन ज्यादा होना। यदि महिला का वेट ज्यादा है तो बेबी का मूवमेंट नॉर्मल होने के बावजूद भी एक्सेसिव फेट के कारण महिला बेबी का मूवमेंट फील नहीं कर पाती है। नंबर 4 रीजन है कि हो सकता है बेबी सो रहा हो। नॉर्मल बेबी की तरह फीटस भी गर्भाशय के अंदर खेलते हैं, सोते हैं, मदर के और उसके आसपास की होने वाली आवाजों को सुनते हैं। कभी कभी बेबी लंबे समय तक सोते रहते हैं जिस कारण से उनका मूवमेंट फील नहीं हो पाता है। फीटल मूवमेंट कम होने का नंबर 5 रीजन है प्लासेंटा का एंटीरियरली होना। प्लासेंटा यूट्रस के अंदर रहता है जिससे कि फीटस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता रहता है। यह प्लासेंटा यदि यूट्रस के एंटीरियरली रहे, मींस यदि आंवल गर्भाशय के सामने वाली दीवार से चिपका हुआ होता है तो भी फीटस आंवल के पीछे रहेगा जिसके कारण महिला को फीटल मूवमेंट महसूस नहीं हो पाते हैं। नंबर 6 रीजन है, यदि महिला ने लेट कंसीव किया है। ऐसा अक्सर तब होता है जब मेंसेस बढ़ कर आते हैं। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है पर यदि किसी महिला को 45-60 डेज या इससे अधिक दिनों में मेंसेस आते हैं तो वह महिला कंसीव भी देर से ही करेगी। ऐसे में भले ही उसे 5 मंथ्स का एमिनोरिया हो पर प्रेगनेंसी पीरियड या गर्भकाल जिसे हम जेस्टेशनल एज कहते हैं 8 वीक्स या 12 वीक्स की होगी और इस जेस्टेशनल एज के बेबी के मूवमेंट महिला को फील नहीं हो पाएंगे। फिटर मूवमेंट फील न होने का नंबर 7 रीजन है महिला का प्राइमिंग रैबिडा होना। मीन्स ऐसी महिला जिसका यह फर्स्ट बेबी है उन्हें फिटर मूवमेंट तो होने लगते हैं पर क्योंकि फिटर मूवमेंट का एक्सपीरियंस उन्हें नहीं रहता है इसलिए मूवमेंट होने के बावजूद उन्हें समझ में नहीं आ पाता है। तो यह तो थे कारण जिनके कारण फिटर मूवमेंट या तो कम होते हैं या फिर नॉर्मल मूवमेंट होने के बावजूद महिला को महसूस नहीं हो पाते हैं। अब यदि महिला को फिटर मूवमेंट कम महसूस हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए, इसके लिए फिटर मूवमेंट कम होने पर क्या करें आप मेरा यह वीडियो देख सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। हेल्थ रिलेटेड किसी भी क्वेरीज के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपकी एक नई क्वेरी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।